जैन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब वैकेंसी अपडेट्स के अंदर। और आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में है। रेगुलर वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट आपके मोबाइल में मिलते रहे और समय रहते आप इनके लिए अप्लाई कर पाए। वैकेंसीज की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली गूगल में जाएंगे और वहां पर जाकर टाइप करेंगे glory.com तो फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट जो है मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको वहीं पे सारी जॉब्स मिल जाती हैं, सो चेक करके अप्लाई जरूर से करिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर और वहीं पे जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसके लिए पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट है और इसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। 18,000 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले मेल गार्ड, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसके लिए अगर मैं बात करूँ आपकी सैलरी 25,081 से लेकर 1,000 तक है और 21,000 से लेकर 69,000 तक रहेगी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। 18,000 से लेकर 56,900 रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेल गार्ड के लिए 12th पास ग्रेजुएशन वाले, उसका पोस्टमैन के लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले, मल्टीटास्किंग के लिए 10th वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन की, तो आपकी इसके अंदर मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है और इसके लिए 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं जो कि जनरल और EWS वाले हैं। OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWDs के लिए 10 ईयर का, और उसके बाद OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर का, उसका SC ST के लिए 15 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इनके लिए कर सकते हैं। अब इसके लिए बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस नोटिफिकेशन को की ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स आ चुके हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आप देख चुके हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो ये सारी वैकेंसीज के लिए मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है, सो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से करिएगा। नोटिफिकेशन जब भी आउट होगा मैं आप तक जरूर पहुँचा दूंगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के लिए जिसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नोटिफिकेशन है वो किस डिपार्टमेंट की तरफ से आउट हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आउट किया गया है, जिसके अंदर आपका CGL की वैकेंसीज हैं। सो इसके अंदर आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे आपका टेस्ट होता है, कंबाइंड टेस्ट होता है, जो कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज फिल की जाती हैं ऑल इंडिया से, जैसे कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देख लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट की वैकेंसीज होती हैं जो कि आउट होती हैं, ग्रुप सी की जिनको हम बोलते हैं, तो वो सारी वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में जो है फिल होती हैं, वो इसी टेस्ट के थ्रू फिल होती हैं। अब डिटेल्स पे बात करें तो अक्रॉस इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात करूं इसके अंदर आपके डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी इनकम टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, अपर डिवीजन क्लर्क की, डिवीजनल अकाउंटेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की है। ये सारी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल होंगे और आपको जस्ट एक टेस्ट देना होगा। अब इसके अंदर क्या हो, कैसे होता है वो टेस्ट, कैसे होता है वो बताता हूँ आपको। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी उसमें की हुई ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कोई एक्सपीरियंसेस में नहीं मांगा जाता है। Tier 1 आपका टेस्ट होता है, Tier 2 होता है, जो कैंडिडेट Tier 1 से क्वालिफाई होते हैं वो चले जाते हैं Tier 2 में और Tier 2 सिलेक्ट होने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, लेवल 8 के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी रहती है। सो मैं आपको डिपार्टमेंट भी दिखाऊंगा आगे इसके।
अब इस बार टीयर वन में आपका जो है इस पर 100 मार्क्स का जाता है टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। आपका सिलेबस जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इसके आपके जो क्वेश्चन इसके अंदर वो आने वाले हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट टीयर वन को क्लियर कर लेते हैं, टीयर टू में आपका क्या टेस्ट रहता है। सो वो नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर सेक्शन वन सेक्शन टू अलग अलग है इसके अंदर, राइट। सो इसके अंदर आपका टाइम टू है 2 hours and 15 minutes का रहता है, जिसमें आपका मॉड्यूल है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है, उसके बाद डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, स्टैटिक्स है, इसके अलग अलग हैं आपके सेक्शन, वो आप चेक कर लीजिएगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्टडी मटेरियल भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से चेक करके अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फी 100 rupees रहने वाली है, तो और वो भी जस्ट जनरल ओबीसी एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी सभी के लिए नील है। और इसके लिए 18 से लेकर 32 years के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई करना ऑलरेडी 3 April से स्टार्ट हो चुका है, 3 May तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टीयर वन आपका 14 July से शुरू हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको दे दिया, नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट नाम मैंने आपको बताए थे ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट, इसके अंदर आपकी सैलरी जैसे मैंने आपको बताया था कि पे लेवल 8 के अकॉर्डिंगली रहेगी, 47,600 से लेके 1,51,100 रहने वाली है। और ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इंडियन ऑडिट अकाउंट्स के अंदर है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, जो कि असिस्टेंट की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की। तो ये सारी वैकेंसीज होती हैं लेवल बी एंड सी की, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं और इसके लिए आपकी सिलेक्शन होगी। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये था सेकंड नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आउट कर दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से। इसके लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर से करिएगा, बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अक्रॉस इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड नहीं है। नेक्स्ट बात करूँ इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आउट करी गई हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले SSA की पोस्ट है, जो कि है आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 2674 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं 185 हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन वाले जो है SSA के लिए अप्लाई करेंगे, 12th वाले जो है स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे। और आपकी एप्लीकेशन फीस के अंदर जो रहने वाली है वो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए 700 है, SC ST PWD फीमेल ESM के लिए नील है, और बाकी आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करनी है। 26 April 2023 लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा प्री एंड मेंस, देन आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जाम के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ये हमारा थर्ड नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके लिए, तो जो कैंडिडेट 18 से लेकर 27 years तक के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आपका रहता है कि आपको एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दी जाएगी रिजर्व कैटेगरीज को, और इसके अंदर आप 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन दोनों आ चुके हैं, जाके चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब बात करेंगे फोर्थ नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि निकल के आ चुका है HDFC बैंक की तरफ से। अब HDFC बैंक में 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं, मैं अभी जब आपको बता रहा हूँ तब ये 12,000 काउंट है, माइट भी जब आप चेक करें तो वो बढ़ सकता है। तो आपको ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं, इसके अंदर बेसिक जो मतलब रहता है कि आप कैसे इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी मेरे लिए है। अब वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सबसे पहले तो आपको फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। पहले मैं डिटेल बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मैक्सिमम आपकी मिनिमम एज 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज हैं, ये अभी की हैं, माइट बी आप करें तो कुछ एडिशनल हो जाए, ठीक है। तो पर्सनल बैंकर की है, रिलेशनशिप मैनेजर RRB, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजर, RM सर्विसेज, सेल्स मैनेजर, कस्टमर सर्विसेज, ट्रेड सेल्स मैनेजर, सेल्स फाइनेंस की हैं, उसके बाद सेल्स मैनेजर रेवेन्यू की है, इसके अंदर जो है रिकवरी की वैकेंसीज हैं, उसके बाद फोरेक्स की है, प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया कलेक्शन मैनेजर, आउटरीच मैनेजर, ऑथराइजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज हैं। अब जैसे कि आपने चेक करना है कि आपके लिए कौन कौन सी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10th 12th इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट आपको फेक थंबनेल पे लिख देते हैं 10th 12th वाले, तो वो नहीं है 10th 12th, इसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। क्योंकि कभी भी आप बैंकिंग लाइन में जाते हैं तो आपके अलग अलग आपने
ग्रेजुएशन किसी भी उसमें की हुई है, लेकिन आपके अलग अलग मांगे जाते हैं, कईयों के लिए फाइनेंस ज़रूरी होता है, कईयों के लिए कोई सब्जेक्ट ज़रूरी होता है, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी मस्ट है, तभी आपकी इसके अंदर एंट्री होती है। ये एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे आगे और भी हो सकता है। सो इसके अंदर आप सबसे पहले तो अलग अलग लोकेशन वाइज हैं, आप सबसे पहले तो लोकेशन का यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिएगा, जिस भी लोकेशन के लिए आपने देखना है। मल्टीपल लोकेशन के लिए ये वाली वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद अलग अलग लोकेशन है, मल्टीपल लोकेशन, ये देखिए लिखा हुआ उन्होंने स्पेशली, जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब जो है 2 अप्रैल 2023 को पोस्ट की गई है, ये लिखा हुआ है परमानेंट सेल्स वर्टिकल, परमानेंट सेल्स वर्टिकल, ये परमानेंट वैकेंसीज हैं आपकी सेल्स के अंदर। सो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे यहाँ पे 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं, ये देखिए मैं आगे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 10th से भी आगे जो है वैकेंसीज और भी हैं, तो एक एक में 10 से 10 से 11 जो है वो वैकेंसीज हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली चेक करके जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको फिल्टर ऊपर आ मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप एंटर जॉब टाइटल तो आपको नहीं पता होगा, तो आप सबसे पहले लोकेशन जो है उसको प्रेफरेंस कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अरेंज कर लीजिएगा जो भी आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सी आपके लोकेशन में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सो ये देखिए अलग अलग वैकेंसीज है, वर्चुअल भी कुछ एक वैकेंसीज हैं जो कि आप देख सकते हैं, वर्चुअल सेल्स की वैकेंसीज भी यहाँ पे आउट हुई हैं। सो आप खुद से चेक करके जरूर से अप्लाई करिएगा, मैं ये आपको कहूँगा कि आप एक बारी खुद से जाके चेक करिए कितनी वैकेंसीज आपके लोकेशन के लिए आउट हुई हैं। तो आप आगे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए सिंपली, जैसे मैंने इस पर लिए करना है वर्चुअल सेल्स के लिए, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर मुझे पता लग जाएगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा हुआ है, मेंटेनिंग पब्लिशिंग रिपोर्ट मैनेजमेंट आपका काम रहने वाला है इसके अंदर। सो जो जो काम है वो नीचे लिखे हुए हैं आपके, राइट। इन्होंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। सुपरवाइजरी लेवल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिर्फ 1 से 3 साल का, जिनको है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक होता है, इंटरव्यू बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर आएंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब की आपको लिंक मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने से पहले अपना एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एक सीवी वो रेडी कर लीजिएगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सिंपल अपलोड करेंगे, एचआर की तरफ से कॉल आएगी, पैसे नहीं मांगे जाएंगे। पहली चीज़ काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे सर हमें कॉल आई तो हमें पैसे मांगे गए, तो पैसे मत पे करिएगा, वो आपकी फेक कॉल है, फॉर्ज कॉल है, ठीक है, राइट। होता है ना ऐसा कि प्राइवेट कंपनीज में भी कई लूपहोल्स होते हैं, रखे होते हैं उन्होंने कि थर्ड पार्टी को देते हैं कि आप हमारी आप कॉल कर लो इन पे, राइट। तो ऐसा हो सकता है, तो आपको कॉल आ सकती है, पैसे पे मत करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहने वाला है, तो इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं लास्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आउट करी गई है इसरो की तरफ से, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसके लिए 27th मार्च आपकी लास्ट डेट, 24th अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, और 27th मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहली वैकेंसी जो है टेक्निकल असिस्टेंट की 24 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर आपकी 4,900 आपकी सैलरी से लेके 1,42,000 रहने वाली है। टेक्नीशियन बी की 29 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 21,700 से लेके 69,000 आपकी सैलरी रहेगी। ड्राफ्टमैन बी की वैकेंसी है, जिसके लिए 21,700 से लेके 69,000 आपकी सैलरी रहेगी। हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 19,200 से लेके 63,200 सैलरी रहेगी। लाइट व्हीकल ड्राइवर की 2 वैकेंसीज, जिसके लिए 19,200 से लेके 63,200 रहेगी। फायरमैन ए की 1 वैकेंसी है, जिसके लिए 19,200 से लेके 63,200 आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी की। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, राइट, वो अप्लाई कर सकते हैं रेलेवेंट फील्ड में। टेक्नीशियन बी के लिए आपकी आईटीआई रेलेवेंट फील्ड में की होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन बी के लिए आईटीआई या ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड किया हुआ है आपने, आप अप्लाई कर सकते हैं। हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए आपकी 10th+MLV HMLV आपका जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 10th+LMV व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना चाहिए। फायरमैन ए के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जिसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगी। रिटन टेस्ट होगा आपका, ट्रेड टेस्ट कुछ एक पोस्टों के लिए होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन सभी पोस्ट के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आपकी
जो है फी एज पर रूल रहेगी, मेंशन नहीं है वहाँ पे। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक्टिवेट हो चुका है, नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सभी नोटिफिकेशन के लिंक जिस हायरार्की से मैंने आपको बताए हैं उसी हायरार्की से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। लेकिन जिस चीज़ को मैंने वीडियो में बताया है उस चीज़ का कमेंट मत कीजिएगा, चाहे वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में अपनी लोकेशन लिखना मत भूलिएगा, मैं आपकी लोकेशन के लिए अगले अपडेट लेकर आता ही रहूँगा जो भी मेजर कमेंट्स होंगे। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।